हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी जो आई थी उसकी फाइनल रिजल्ट आ चुकी है, ठीक है। और ये फाइनल रिजल्ट आपकी पब्लिश है, जो वेबसाइट है www.bpssc.vihn.nic.in, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट का इसका सिलेक्शन हुआ है वो आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या गया है, किस कितने कैटेगरी कितने कैंडिडेट बिहार दरोगा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कितना जेलर के लिए सेलेक्ट हुए हैं, फीमेल का क्या कट ऑफ गया है, ईवीसी का क्या कट ऑफ गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है, किनका सिलेक्शन हुआ है, सारा कुछ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जो देखें तो ये आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है और इसकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई थी आपका 1/2019 को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसका पेपर हुआ था प्री पेपर 22/12/2019 है, ठीक है। दिनांक 22/12/2019 को रविवार को हुआ था, जिसमें 5,85,000 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा दिए थे, ठीक है। उसमें से कितने के सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें से जो सिलेक्ट हुए थे वो आपका 50,072 विद्यार्थी को सिलेक्ट किया गया था। ये देखिए, यानी कि प्री जो क्वालिफाई हुए थे उसमें कितने 50,072 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था द्वितीय परीक्षा 29/11/2020 को, ठीक है। 29/11/2020 रविवार को हुआ था और इसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया था 16/1/2021 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पीईटी आपका शारीरिक क्षमता ये सारा कुछ हुआ था, ये आपका 22/3/2021 लेकर के 12/4/2021 तक सारा कुछ आपका किया गया था पटना में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सब दिखा हुआ है कि डाटा ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पीईटी एग्जाम के लिए, तो कितने कॉल किए गए थे, कितने बुलाए गए थे, उसमें कितने आए थे, ठीक है, फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। इसमें ये दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट लॉन्ग जंप में, हाई जंप में फेल हुए हैं, कितने फीमेल हाई जंप में फेल हुए हैं, कितने लॉन्ग जंप में फेल हुए हैं। तो देखिए 294 लॉन्ग जंप में हुए हैं, एबसेंट फिजिकल में कितने, एक भी एबसेंट नहीं थे, फीमेल में 2 एबसेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए कितने क्वालिफाई किए गए थे, 3,934, यानी कि लगभग 4,394 क्वालिफाई किए थे डॉक्यूमेंट के लिए। फीमेल की बात किया जाए तो 3,330, ठीक है। और स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ये डाटा ऑफ मेल कैंडिडेट हुए पीयर फिजिकल टेस्ट के लिए आपका शॉर्ट पुट के लिए 6,000 हुए थे, फेल इन शॉर्ट पुट 4,000 फेल हो गए थे, फेल इन हाई जंप 1500 हाई जंप में फेल हो गए थे, फेल इन लॉन्ग जंप 300 लॉन्ग जंप में फेल हुए थे। तो ये सारा कुछ डाटा आपको बताता है कि किस कैटेगरी में कितना फेल हुए थे और कितने सिलेक्टेड हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड ये सारा कुछ दिया हुआ है, एसआई के लिए 4,376 क्वालिफाई किए थे, ये सारा कुछ। अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यानी कि वैकेंसी जो दिया हुआ है जनरल के लिए 8,225 है और फीमेल के लिए 279, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 62 है, बीसी के लिए 248 वैकेंसी है और बीसी फीमेल के लिए 82 वैकेंसी है, ठीक है। ईबीसी के लिए 330 वैकेंसी है और ईबीसी फीमेल के लिए 124 वैकेंसी। इसी तरह से सारा वैकेंसी डिटेल आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के आगे कि पुलिस सेगमेंट के ये सारा कुछ दिया हुआ है, फिर जेलर सुपरिटेंडेंट के लिए कितना वैकेंसी, ये सारा कुछ डिटेल इसमें आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट का डाटा सब दिया हुआ है कि किसमें कितने सेलेक्टेड हुए नहीं हुए, ठीक है। तो उसके बाद अगर जो हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए डाटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सेगमेंट का जो भी है उसका हुआ है, जेलर के लिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, जनरल कैटेगरी में इतना नहीं सेलेक्टेड हुए हैं, इसमें फीमेल इतना नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कट ऑफ की बात है। तो कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ में सबसे पहला बात है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें आपका कितने 150 मार्क्स है, कितने मार्क्स की बात है, यानी कि 75% कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी के गए हैं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के अगर जो फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का मार्क्स में अगर किया जाए तो 137.6 मार्क्स गए हैं और कट ऑफ परसेंटेज में बात किया जाए तो 68.8% कट ऑफ गया है, किसका, फीमेल कैटेगरी का, ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी जनरल में फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात किया जाए तो दोनों में डिफरेंस लगभग ये हमारा हो गया 6.2% का कट ऑफ का अंतर है, किसमें, जनरल कैटेगरी के मेल में और जनरल कैटेगरी के फीमेल में, ठीक है। अब अगर जो हम लोग बात किया जाए
EWS कैटेगरी, EWS कैटेगरी मेल में तो कट ऑफ गया 145 नंबर गया है, ठीक है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 72.5%, यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल से जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी मेल का जो अंतर है कट ऑफ वो है 2.5% का। यहीं अगर जो EWS की फीमेल की बात किया जाए तो इसका कट ऑफ गया 65.4% है, ठीक है। तो ये दोनों में लगभग 2.3.4 का अंतर है। अब हम लोग कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 145 मार्क्स गया है, यानी कि 72.8% गया है, जो कि EWS कैटेगरी से थोड़ा सा 0.2% ज़्यादा है। बीसी फीमेल की बात की जाए तो 63.8%, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं EBC कैटेगरी मेल का, तो आपका 71% गया है, 71.6 मार्क्स की बात कर ले जाए 143.2 गया है, और फीमेल की बात कर ले जाए तो 59.93 गया है। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी के मेल में बात किया जाए तो 134 मार्क्स गया है, परसेंटेज में बात करें तो 67%, और फीमेल में बात करें तो 107 नंबर गया है 53%, ठीक है। अब अगर जो हम लोग बात करें SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में 140.6 मार्क्स गया है, और परसेंटेज में 70% गया है, और आपका यहाँ फीमेल की बात किया जाए तो 116 गया है और 58.4% गया है, ठीक है। BC वोमेन की बात किया जाए तो BC वोमेन में आप 127 मार्क्स गया है और 63.7% कट ऑफ गया है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात किया जाए तो 132 मार्क्स कट ऑफ गया है, परसेंटेज में बात किया जाए मेल का तो 66.1%, और फीमेल के बात किया जाए तो 129.6 मार्क्स गया है और 64.8% फीमेल का कट ऑफ गया है। तो ये रहा आपका कट ऑफ डिटेल, ठीक है, सभी कैटेगरी के जितने कैटेगरी इसमें अप्लाई हुए थे सभी कैटेगरी का ये कट ऑफ डिटेल है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखिए, ये रहा आप लोग का रिजल्ट, ठीक है। अंत इसमें क्या लिखा हुआ है, अंतिम रूप से इसमें देखिए रिजल्ट में लिखा हुआ है आपका कि अंतिम रूप से चयनित सब इंस्पेक्टर जो कि 2062 का सूची क्रमांश इसलिए है, तो जिनका रोल नंबर ये है लास्ट में 51 है, लास्ट में आपका 62, ये जिनका जिनका रोल नंबर है आप अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिए, उनका उनका आपका सिलेक्शन हो गया है। ये PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्रोवाइड करा देंगे, इनका लिंक वहाँ पर जा करके आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप PDF में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही खुशखबरी है, जो स्टूडेंट का हो गया है रिजल्ट वो बहुत बहुत बधाई है, एंजॉय करिए, मिठाई काटिए, मिठाई खाइए, बहुत ही खुशी की वक्त है आप लोग के लिए। आप लोग बहुत ही मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, जिसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी हुआ है कि जो भी बिहार में ये सिलेक्शन लिए हैं, दरोगा बने हैं अपने ऊपर वर्दी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि बहुत ही खुशी है। तो जो जो स्टूडेंट का हो गया है आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, इन्जॉय करिए, रिजल्ट आ गया आप लोगों का बिहार दरोगा का, इन्जॉय करिए, खुशी बांटिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।